दोस्तों इफेक्टेड हैंड से आपको सलाम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। आज है कि जो मैं अपना मेनली इल्बो, वैसे तो पूरा हैंड मेरा इफेक्टेड है, अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा रिस्ट अभी लटका हुआ है, बट आज मैं अपना इल्बो के एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, इल्बो में थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उस चीज़ को लेके मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अगर स्टार्ट में बोल देता हूँ, हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको भी मोटिवेट कीजिए। आप भी मोटिवेट रहिए और अपना रिसर्च करते रहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं शुरुआत। और देखिए, अभी मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है तो मैं इसको सोचा कि शेयर कर दूं। और मैं ऐसा कर रहा हूं ना तो मेरा मुंडी आप पहले भी देखे होंगे, थोड़ा यूं तरीके से हो रहा है। तो यार ये मेनली क्या है कि ना, ये रेडियल नर्व बोलते हैं शायद, मुझे उतना अच्छा से एकदम मालूम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मालूम होने लगा है। रेडियल नर्व यहाँ से निकलती है, जो हमारा पूरा टोटल हैंड के पावर सप्लाई, सेंसेशन और कुछ भी। तो वो मेरा रेडियल नर्व बहुत आई थिंक ख़राब है अभी भी, तो उसी की वजह से जो है कि मेरा मुंडी हुई हूँ अब हो रहा है। अब पावर लगाता हूँ तो मेरा मुंडी देखिए अब कंट्रोल, इससे पहले बहुत ज़्यादा होता था। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको यार क्या क्या कर रहा है, आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल है, फिर भी अभी भी दिखता है। तो खैर छोड़िए, कोशिश करेंगे इसको सीधा करने के लिए, क्योंकि ये प्रोनेशन सुपिनेशन बोलते हैं, जो मेरे से नहीं हो रहा है अभी। पहले बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं और एक छोटी सी वीडियो भी बन जाएगी और मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो ही मैंने कहा कि मोटिवेट रहिए, मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, जो हुआ गलत हुआ हमारे साथ, पर अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं एक्सरसाइज के अलावा। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहना है। दोस्तों फिर से स्वागत है। आप जो साइड में वीडियो देख रहे हैं वो मेरा ऑलमोस्ट जब मुझे पैरालाइज हुआ, उसके बाद लगभग जब मैं के बाद जब मैं ज्वाइन किया थेरापी, तब मैं उस चीज़ को कर रहा था, तब मेरा हालत कुछ इस तरह था। लेकिन अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हड्डी होते हैं, हम इसको फिक्स करते हैं यहाँ से और सुपिनेशन प्रोनेशन करते हैं। तो इसमें जो इस अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उसके मूवमेंट में मतलब क्रॉस हो जाता है, ऐसे जब सुपिनेशन करते हैं तो वो क्रॉस होता है, जो मैंने पहले से नहीं किया। तो आप भी यदि मेरे जैसे रिकवरी स्टेज में हैं, आपको अर्ली टाइम है, तो प्लीज़ यदि आपका अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, ईयरली टाइम है, तो आप बहुत मेहनत कीजिए और मेनली हैंड में सुपिनेशन प्रोनेशन में बहुत ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगा है। तो इस चीज़ को मैं कि मतलब ऐसा लगता है खुला खुला अब सुपिनेशन पूरा हुआ हुआ जैसा लगता है, लेकिन जाके रुक जाता है। अभी देखिए मेरा थंब तो वही बोला ना कि कुछ भी करूं तो थम भाई छोड़ दे, मैं ही पहले जाऊंगा अंदर। इस तरह के कुछ भी है, कुछ ऐसा है हालत। सिर्फ इतना इजी है से नहीं मुड़ता है ऐसा, ये पूरा हाथ इधर उधर तलांग तुम यार, क्या यार साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी चीज में लगे हुए हैं,
इसी इरादे के साथ कि भाई एक दिन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि दवा ना काम करे तो वहाँ आपका इच्छा शक्ति, विल पावर, दुआ काम करती है। तो प्लीज़ साथी लोग, दोस्तों लोग, आप सभी हौसला बनाए रखिएगा और करते वक्त अपने पूरा माइंड से करें, होश में करें कि मेरा खुद को मालूम होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये 4 kg का डंबल और मैं इसको ट्राई करूँगा, इससे करने का वही सुपरनेशन प्रोनेशन वाला एक्सरसाइज। देखिए ये मैं कर रहा हूँ तो जैसा ये पूरा ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर उड़ जा रहा है। यहाँ पर आप लोग कैसे कर रहे हो, आपके पास कोई आइडिया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कोई एक्सरसाइज है तो प्लीज़ बताइएगा। एक और एक्सरसाइज, अब देखिए पूरा हाथ फिंगर जो है वो पूरा अकड़ गया, इसको पहले खोलते हैं थोड़ा मसाज करके। बेसिकली टेबल होगा तो बहुत बढ़िया, इस पोजीशन में भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लेकिन ये है ना ये कोई ना इल्बो को ऐसे रेस्ट कराना है, उसके बाद अपने गाल के नीचे हाथ मेरा हाथ यहाँ पर रख के, टाइटनेस है ना अभी इस वजह से, यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये टाइटनेस ना होती, स्पास्टिक ना होता, तो जो हम चाह रहे हैं वो अच्छे से हो जाता, तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहता। तो कुछ इस तरह से बना के ऐसे बैठे रेस्ट करें और लोड दें अपने, वही चीज़ को मैं बेर भी करता हूँ। तो प्लीज और इसको ट्राई करेंगे इसी तरफ से, सुपिनेशन प्रोनेशन वाला प्रक्रिया करते रहना है। तो ये मैं भी करता हूँ सो के, तो इसलिए मैं आपको दिखाया, बल्कि मैं ज़्यादा सो के ही करता हूँ इस पोजीशन में। देखिए मैं सो के मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन बैठ के मैं नहीं कर पाता था। तो ये बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको उस चीज़ में आपका माइंड है जो परफेक्ट बनाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसलिए हमको डॉक्टर्स सदैव रिपीट एंड रिपीट करने को बोलते हैं। तो वही सेंस में हमको करते रहना है। एक्सरसाइज करता हूँ तो बोलने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एनर्जी लगाना पड़ता है ना हाथ में। तो दोस्त दोस्तों एक बात और, मेरे पास है एक एंड ट्विस्टर बोलते हैं इसको,
इसके साथ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको इल्बो के लिए भी एक्सरसाइज करता हूँ। तो कुछ ऐसा चीज़ आप ले लीजिए जो कि इस साइड में, मतलब इस साइड में वेट हो उसका भी। तो इसको पकड़ के आप ऐसे करेंगे तो इल्बो का सुपरनेशन प्रोनेशन होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे इससे पहले हमने डंबल के साथ किया। तो मैं इसके साथ भी यूज़ करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जल्दी मंगाया इसके साथ, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ। मैं कमिंग डेज में इसका शेयर करूँगा। तो मैं इस साथ ये वाला हैंड से कोशिश करके खाना था, बहुत दिक्कत है अभी वेट होने के पता से। देखिए झटके में जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं धीरे जाए, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल ब्रदर। अब ये मेरे कंट्रोल में उतना नहीं है। देखिए उतना कंट्रोल नहीं है हैंड। पर कोशिश जारी है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सी एफ रिसर्च करते हैं। नमस्कार।